मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सीजन पॉलिटिशियन अरुण यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। अरुण जी, एक लंबा समय मध्य प्रदेश में आपने संघर्ष किया है, एक कांग्रेस पार्टी के कैडर को आपने खड़ा किया है, युवा नेतृत्व दिया है, अब आपकी पार्टी की सरकार बने एक साल हो गया है। आपके जरिए हम जानना चाहेंगे इस एक साल के दौरान आपने क्या कुछ अनुभव किया और परफॉर्मेंस के लेवल को आप कहाँ तक देखते हैं। मुझे खुशी है और मैं अपने प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बधाई भी देना चाहता हूँ कि 15 साल तक बड़ा संघर्ष यहाँ पर हमारे कार्यकर्ताओं ने किया और विशेष रूप से पिछले 5 साल काफ़ी काम हमने किया और जिसके चलते प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और माननीय कमलनाथ जी हमारा नेतृत्व आज कर रहे हैं। और मुझे ये भी खुशी है कि एक साल में जो चुनाव में हमने जो कहा सो हमारी सरकार ने पूरा किया, जो वादा हमने जनता से किया था उन वादों को पूर्ण करने की ओर हमारी सरकार अग्रसर है और माननीय कमलनाथ जी खुद ही व्यक्तिगत रूप से उसमें काम कर रहे हैं और पूरी सरकार और मंत्रिमंडल के साथ ही भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और देश में एक साल का जो है, मैं कह सकता हूँ कि मैं 100 में 100% नंबर देना चाहता हूँ सरकार को कि जो कास्ट सो हमने किया, जो वादा किया उसको हमने पूर्ण किया। तो सबसे बड़ी घोषणा कमलनाथ जी ने और कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी ने की थी वो थी किसान कर्ज माफ़ी की। आप ही के जो छोटे भाई हैं सचिन यादव जी कृषि विभाग को देख रहे हैं, उसी विभाग को जिस विभाग के बलबूते पर या कहा जाए किसानों के बलबूते पर कांग्रेस सरकार बनी, कितना सेटिस्फैक्ट्री आप पाते हैं आपके छोटे भाई को या कृषि मंत्री, दोनों को अगर आप देखते हैं? मैं तो सरकार की बात करूँगा और निश्चित तौर पर कृषि मंत्रालय सचिन यादव देख रहे हैं तो वो भी एक उसके भाग हैं और मैं कई कार्यक्रमों में जाता हूं और किसानों से भी मेरी आमने सामने चर्चा होती है। तो जो फेजिंग हमने की है कि पहले 50,000 तक का कर्ज माफ़ करेंगे, फिर 1,00,000, पहला सेशन मतलब पहले किस्त जा चुकी है, दूसरा फेज़ उसका शुरू हो चुका है। अभी पिछले 31 तारीख को हम लोग तरगुन ज़िले में थे और मेरी सचिन की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में करीब 6,000 काश्तकारों का कर्जा एक शॉट में माफ़ हुआ है। तो सरकार की जो फेजिंग है कर्ज माफ़ी को लेकर वो एकदम स्मूथ चल रही है और प्रदेश का किसान खुशहाल भी है, उसको उसकी उपज का दाम भी अच्छा मिल रहा है और बिजली में इतनी बड़ी राहत हमने दी है किस काश्तकार को, उसको उसका मूल्य अच्छा मिल रहा है, जो समर्थन मूल्य है उससे भी चर्चा हो रही है। तो ओवरऑल अच्छा परफॉर्म मंत्रालय भी कर रहा है और सरकार भी कर रही है। ये कितना आपके लिए एक रोमांचक या कहा जाए कि एक गुदगुदाने जैसा अवसर रहता है? आपके पिताजी डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे मध्य प्रदेश के, आप स्वयं भी केंद्रीय मंत्री रहे, आप प्रदेश अध्यक्ष रहे और अब आपके छोटे भाई भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आपस में जब चर्चा होती है तो क्या कुछ डिस्कशन होता है आगे की विजन पे, क्या कुछ चर्चा होती है? नहीं, ये तो बड़ी हमारी खुशकिस्मती है मैं कहता हूँ और ईश्वर की बड़ी कृपा भी है कि मुझे पहले तो पिताजी डिप्टी सीएम बने, फिर कृषि मंत्रालय में रहे, कोऑपरेटिव में रहे, एनवीडीए के मंत्री रहे, फिर मुझे भी केंद्र में जाने का अवसर मिला, राहुल जी और सोनिया जी ने मुझे मंत्रिमंडल में लिया और उस समय भी कृषि विभाग का मुझे दायित्व मिला। तो और फिर सचिन जो छोटे भाई हैं वो भी इसी विभाग के मंत्री बने। जब विभाग का बंटवारा हो रहा था तो मैंने स्पेसिफिक आदरणीय कमलनाथ जी से आग्रह किया कि भाई हमारा ये हमारा इंटरेस्ट का विभाग है, कोऑपरेटिव और कृषि और हमारे पिताजी भी और हम लोग सत्य इसी में काम करते रहे तो हमें इस विभाग में काम करने का अवसर मिलेगा तो हमें अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए। तो खुशी होती है कि ये परिवार में 3 लोगों को ये इसी विभाग में काम करने का अवसर मिला है तो ये हम लोग के लिए जिम्मेदारी भी है और लोगों का भरोसा भी है तो उसको पूर्ण करना है। काम कर रहे हैं, चल रहा है, सतत काम से जारी है। अच्छा अरुण भाई, ये जनरली पब्लिक परसेप्शन रहता है जब दो भाई होते हैं आपस में तो कई बार बड़े भाई आप हैं तो उसको समझाइश भी देते होंगे, मार्गदर्शन भी देते होंगे, तो कभी कोई टकराहट जैसा पहलू तो नहीं आता? कुछ नहीं है, वो मंत्री हैं विभाग के और मुझे जो फीडबैक आता है तो हम उसको शेयर करते हैं, मुख्यमंत्री जी को बताते हैं और अन्य विभागों का भी जो फीडबैक जनता के बीच रहते हैं तो बात तो होती है। तो
जो जिस मंत्रालय का फीडबैक आता है मैं कोशिश करता हूँ कि उस मंत्री तक उस फीडबैक को पहुँचाया जाए और फिर उसमें क्या करेक्शंस कर सकते हैं, इनिशिएटिव ले सकते हैं उसको लें। और यही मैं सचिन को भी कहता हूँ, उनसे भी ये चर्चा होती है हमारी। हाल ही में आपने दो नए केंद्र जो हैं वो उसको क्षेत्र में अपने युवाओं को पहुंचाया है, काफ़ी कुछ और डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ में आप खुद भी पार्टिसिपेट करते हैं किसानों के खास तौर पर, आगे का विज़न अरुण भी आपके ज़रिए जानना चाहेंगे कि आप कृषि के क्षेत्र में स्पेसिफिकली क्या कुछ नया करना चाहते हैं खासतौर पर युवा किसानों के लिए। देखिए, मैं विशेष अगर यूथ की बात करूँगा तो जो कृषि हमारा मूल आधार है, देश का मूल आधार है, और इसमें सबसे अधिक काम करनी है। मुझे खुशी होती है जब मैं देखता हूँ कि IIT पास आउट लोग हमारे बच्चे जो है अब स्टार्टअप्स खोल रहे हैं और किसानों को, अभी इंदौर में मैंने देखा कुछ बच्चों से मिला तो उन्होंने एक स्टार्टअप शुरू किया जो बैक टू बैक हमारे काश्तकारों को फसल के बारे में, फर्टिलाइजेशन के बारे में, इरीगेशन के बारे में उनसे चर्चा करते हैं, उनको फीडबैक्स देते हैं। और पढ़ा लिखा किसान अगर होगा तो नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करेगा। और मैं तो सबसे कहता हूँ कि भाई खेती जो किसान मूल किसान है उनके बच्चे कहीं डाइवर्ट हो रहे हैं, इधर नौकरी में जाना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं। अगर हम हाईटेक खेती इसी में करने लगेंगे तो हमारा ऑब्वियसली हमको और फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारा मूल काम खेती का है। तो जो नौजवान किसान हैं उनसे तो मैं हमेशा कहता हूँ कि वो न्यू टेक्नोलॉजी की ओर अग्रसर हों। सरकार की बहुत सारी योजना भी आज चल रही है जिसमें हम लोग किसानों को सब्सिडीज़ देते हैं, नए स्टार्टअप्स के लिए कार्य योजना है, छोटे छोटे उद्योग, कॉटेज इंडस्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग का बड़ा काम आजकल देश भर में हो रहा है, हमारे प्रदेश में कई तरह के फल होते हैं जिसका प्रोसेसिंग किया जा सकता है। अभी हम लोग बुरहानपुर में, क्योंकि हमारा केले का सबसे बड़ा इलाका वो है, तो वहाँ पर केले का एक रिसर्च सेंटर बना रहे हैं जो हाईटेक होगा, उसमें टेक्नोलॉजी लेकर हम लोग किसानों को टिश्यू कल्चर का केला और रिसर्च और अनेक अनेक नई जातियाँ का वैराइटीज निजात करने का काम वहाँ करेंगे। ऐसा ही फूड, हमारे मिर्ची का सबसे बड़ा केंद्र है निमाड़, आप तो जानते ही हैं निमाड़ की मिर्ची पूरे देश भर में फेमस है, तो वहाँ का मिर्ची को लेकर प्रोसेसिंग क्या क्या हो सकता है उस पर काम हो रहा है। हमारे हल्दी आजकल होने लगी है बुरहानपुर तरफ, तो वहाँ हल्दी का प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजी क्या नहीं आ सकती उस पर काम कर रहे हैं हम लोग। अगले महीने ही हम लोग एक डेलीगेशन वहाँ पर हमारा कुछ प्रोसेसिंग यूनिट को लेकर चर्चा हम लोग कर रहे हैं। मंदसौर तरफ संतरा होता है, काफ़ी बड़ी मात्रा में होता है, तो संतरे पे भी फूड प्रोसेसिंग हो सकता है उस पर। तो अलग अलग इलाकों में जो प्रोसेसिंग के काम हो सकते हैं उस पर भी छोटे छोटे उद्योग लगा सकते हैं हमारे युवा किसान, जिसको प्रोसेस करके आगे मैं दर्शकों को ये दिखाना चाहूँगा। हम अरुण यादव जी के बंगले पे मौजूद हैं और काफ़ी खूबसूरत गेंदे के फूल जो है यहाँ पे लगे हुए हैं, और मुझे लगता है अरुण भी आपको खुद भी शायद लगता है बागवानी में काफ़ी इंटरेस्ट है। हाँ, ये सब हम लोग कहते हैं वहाँ के लोगों की, भाई लगाइए, तो आप देख रहे हैं कि अभी सीजनल फ्लावर्स लगे हैं यहाँ पे। अरुण जी, एक लंबा समय, क्योंकि आपने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चुनौती दी थी उन्हीं के गढ़ में जाकर, और ऐसे समय पे जब कोई भी वो चुनौती लेने को तैयार नहीं था, और अगर हम पॉलिटिकल पंडित की भी माने तो ये माना जा रहा था कि भाई BJP की सरकार रिपीट कर रही है, उस वक्त आपने अपने दम पर बुधनी जाके चुनाव लड़ा था और एक आक्रामक, और आपने पूरा राष्ट्रीय, अगर मैं कहा जाए कि जो जितने भी मीडिया हाउसेस थे, जितने भी अखबार थे, चैनल्स थे, सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित भी किया था अपनी जुझारूपन से। उसके बाद एक लंबा अरसा, क्या मैं कहूं कि अरुण भैया एक्टिव नहीं हो रहे हैं, या वो पार्टी गतिविधियों में ज़्यादा हिस्सा नहीं ले रहे, या फिर वो मीडिया को थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं? नहीं, मैं पूर्णतः यहीं पर हूं आपसे तो मिलते ही रहता हूं आशुतोष जी, और मुझे खुशी है कि हमारी सरकार प्रदेश में बहुत संघर्ष के पास बनी है, और हम सबका एक ही एजेंडा है कि ये सरकार की जो जिम्मेदारी है और जो जनता की अपेक्षा हमसे है, हमारी सरकार से, कमलनाथ जी से, कांग्रेस से है, उसको पूर्ण हम लोग करें, और हम लोग अपने लेवल पर भी समय समय पर इस पर काम करते रहते हैं, और कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, तो जो जिम्मेदारी पार्टी देगी उसको निर्वाह करेंगे आगे। यही सहजता है आपकी, इतनी बड़ी चुनौती जब कोई नहीं ले रहा था तब आपने ली थी, आपसे कहा कि प्रदेश अध्यक्ष पद से आप किसी और को जगह दी, आपने सहजता से वो भी आपने पार्टी के हितों में आगे बढ़कर दिया। तो यही जानना चाहते हैं कि अब अगली भूमिका में हम अरुण जी को कहां देख सकते हैं? जो भी भूमिका दिल्ली तय करेगी, जो जिम्मेदारी दिल्ली हमको देगी उसको हम निर्वाह करेंगे,
पहले भी जिम्मेदारी राहुल जी ने प्रदेश बनने की थी, उसको हमने पूरा किया। एसीसी में काम करने का अवसर मिला, कई प्रदेशों का प्रभार भी रहा और मंत्रिमंडल में भी रहे, तो जो भी राहुल जी और सोनिया तय करेंगे उसका हम उसको आगे बढ़ाएंगे। क्या दोबारा अगर प्रदेश अध्यक्ष बनने का अगर जिम्मेदारी पार्टी आपको सौंपती है? ये सब तय वहाँ से होता है, अशोक जी आप तो जानती हैं, और मुझे बड़ी जिम्मेदारी मिल चुकी है, मैं तो उस पर काम कर चुका हूँ और आगे जो निर्णय दिल्ली से करेंगे उसको मान। इसमें पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने लगातार चुनाव जीते हैं, महाराष्ट्र में भी सरकार में है, झारखंड में भी सरकार बन गई है, तीन बड़े राज्य महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी सरकार है। एक समय जिस तरह पूरा देश में बीजेपी की लहर चल रही थी, अब कहने के कांग्रेस कमबैक करती दिखाई दे रही है, क्या उसमें बड़ी वजह मानते हैं? ये देश झूठ के बुलंदों पर चलने वाला देश नहीं है। देश की जनता, ये देश भाईचारे का देश, ये ऐसा हिंदुस्तान है जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम लोग एक साथ रहते हैं और इस देश को की प्रगति उन्नति में योगदान अपना देते हैं। जो लोग भी देश को बांटने का काम करेगा उनकी यहाँ जगह नहीं है। ये गोडसे की परंपरा का देश नहीं है, ये गांधी की विचारधारा का देश है। मैंने परसों भी वहाँ भोपाल दिल्ली में कहा था, गांधी की ही परंपरा यहाँ पर, गांधी की ही विचारधारा इस देश में चलेगी। और आप देख रहे हैं कि जो अभी इलेक्शन हुए हैं, महाराष्ट्र का ले लीजिए, झारखंड के नतीजे आए हैं, तीन राज्यों की जो सरकारें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बनी हैं, ये स्पष्ट करती है कि जो देश को बांटने की बात करेगा उनकी यहाँ जगह नहीं है। और हम इस देश को बांटने भी नहीं देंगे। सीएजी के फार्मूला लेकर आए, एनआरसी की आप बात कर रहे हैं, ये सब देश को बांटने की बात हो रही है। और आप देख रहे हैं आज पूरा देश का युवा इसके खिलाफ बात करता है, तो ये परंपरा नहीं चलेगी। ऐसा प्रधानमंत्री, पहली बात, ऐसा देश का पहला प्रधानमंत्री है जो कभी किसान की बात नहीं करता है। 7 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में हो चुका है, कभी युवा को रोजगार देने की बात नहीं करते प्रधानमंत्री, कभी गरीब, दलित, आदिवासी को उत्थान की बात नहीं करते हैं। ये देश किसानों का देश है, ये गरीब का देश है, ये युवाओं का देश है, उस बारे में कभी चर्चा नहीं होती ना। प्रधानमंत्री करते हैं और हमारे गृह मंत्री हो तो माशाल्लाह है, उनकी तो क्या कहें, उनके बारे में तो कुछ कहना ही अनुचित होगा। यहाँ पर आप एक बहुत सीनियर लीडर हैं, आप सीजन पॉलिटिशियन हैं, कार्यकर्ता, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, कार्यकर्ताओं की काफ़ी अपेक्षा भी रहती है। इस समय कांग्रेस पार्टी के भी काफ़ी कार्यकर्ताओं की अपनी सरकार से अपेक्षा है, और उसे कितने हद तक आप जायज़ मानते हो, और आपको क्या लगता है कि वाकई में देरी हो रही है उनकी अपेक्षाओं पर? निश्चित तौर पर अपेक्षा होनी भी चाहिए, क्योंकि बड़ा संघर्ष हुआ है यहाँ पर सरकार में लाने के लिए, और सरकार उसमें और अग्रसर भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद ही रोज़ मिलते हैं, सुबह 9 से 10 उनका टाइमिंग फिक्स है, जो कार्यकर्ता आता है उससे चर्चा, हमारे दरवाजे भी आप देख रहे हैं खुले, 24 घंटे खुले रहते हैं यहाँ पर, और एक कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक जो कार्यकर्ता हो उसकी समस्याओं का निराकरण हम भी करें, केंद्र के हमारे प्रदेश के मंत्रिमंडल के साथ ही भी करें, सभी लोग करें, उस पर भी हम लोग कोशिश करते हैं। और कार्यकर्ता के दम पर ही हम लोग हैं, कार्यकर्ता हैं तो हम हैं, और कार्यकर्ता की उसके जो काम है, उसकी जो आवश्यकता है, उसको पूर्ण करने के लिए हम लोग पुरजोर प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। निगम मंडलों की नियुक्ति आपको लगता है अब समय आ गया है? जल्दी हो जाएगा मैं समझता हूँ, कमलनाथ जी उसमें ऑलरेडी काम प्रोसेस में चीजें। अब ये हम समझें कि अरुण जी पूरी तरह से एक्टिव हैं, और ये जो धारणा बन रही थी कि अरुण जी पूरी गलत धारणा है, जो भी जो बना रहे हैं, मैं क्योंकि मेरा अपना क्षेत्र भी है, मुझे अपना क्षेत्र भी देखना होता है, तो भोपाल, दिल्ली, फिर क्षेत्र, फिर गांव, फिर परिवार, सबका जिम्मेदारी है, बड़ी जिम्मेदारी, तो उसको करते हैं और पूरी तरह से एक्टिव हैं, और सरकार 5 साल चलाएंगे और प्रदेश की जनता की अपेक्षा पूरा भी करेंगे। बहुत शुक्रिया अरुण यादव जी हमें इतने शॉर्ट नोटिस पर इतना समय देने के लिए, और उतनी गर्मजोशी के साथ मैं दर्शकों को बता सकता हूं कि अरुण भैया हम साथ मिला रहे हैं, और ये इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि वो पूरी तरह से एक्टिव हैं, पूरी तरह से राजनीति में बने हुए हैं, और अपने कृषि विभाग को लेकर काफ़ी कुछ विज़न है, यूथ के लेकर काफ़ी कुछ विज़न है, और यहाँ इस बात की भी वो पूरी तरह से तस्दीक करेंगे, कार्यकर्ताओं को निराश नहीं होने दिया जाएगा। कैमरामैन सुजीत लांजीवार के साथ आशुतोष, इंडिया फर्स्ट न्यूज़, भोपाल। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और इंडिया फर्स्ट न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी करें।